जो एक्चुअल में इसका नाम है फायर हांडी, इस सब में अमूल बटर डल रहा है। तो मतलब यहाँ पे कंजूसी किसी चीज की नहीं है। आप हांडी में कोई भी चीज रेडी करोगे, घर पे बनाई हुई सब्जी या नॉर्मल दाल को भी अगर हांडी में डाल के आप गर्म कर दोगे तो उसमें टेस्ट का अपने आप फर्क आ जाएगा, क्योंकि एक मिट्टी की अपनी महक होती है। और ये एक्चुअल में पंजाबी सोया फायर हांडी चाप है पाजी, आपको पूरे प्यार से खिलाएंगे। ये फायर हांडी चाप नॉन वेज बंदे ने छोड़ना भी हो तो मजबूर हो जाएगा खाने के लिए, नहीं यार आज मैंने वेज खाने खाना। वीर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आज आपको स्पेशल फायर हांडी बना के दिखाएंगे। ये प्योर वेज है जी, हम नॉनवेज ना खाते हैं ना बेचते हैं, क्योंकि आप नॉनवेज खाने के शौकीन हो गए इसलिए आपने नॉनवेज देखा होगा, हम वेज खाने के शौकीन है इसलिए हम वेज देखते हैं। मिट्टी में कोई भी बनाई हुई चीज जो होती थी वो इतनी स्वाद और इतनी बेहतरीन होती है, उसकी एक महक ही अलग होती है। इसकी हम गार्निशिंग कर रहे हैं ताकि जो इसमें हम ग्रेवी डालें वो इस पे ज्यादा हीट होने से चिपके ना, मॉइस्चर जो है पानी रहेगा उसका उसको वेपराइज कर देगा और उससे आपकी जो ग्रेवी रहेगी बहुत ही ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी इसमें हमने सबसे पहले अनियन डाला है, अनियन के साथ हम ग्रीन चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, ये अपने टेस्ट के अनुसार से होते हैं, किसी को अच्छा स्पाइसी लगता है किसी को नॉर्मल रहता है, और जिंजर तो पता ही है आपको इसके बिना तो खाना अधूरा है। तो अभी हम कितनी हांडियां लगाने जा रहे हैं? अभी हम तकरीबन 9 हांडियां लगा रहे हैं, आपके सामने लगी हुई है। ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम ग्रेवी अपनी पहले थोड़ी सी रेडी करके रखते हैं, सेमी कुक इसे करते हैं, इसमें डलता है अनियन रहता है, टोमेटो रहता है, धनिया पाउडर और उसके अलावा कसूरी मेथी, इसका मिक्सचर ऑफ फ्लेवर जो रहता है काफी अच्छा फ्लेवर उठा के देता है। तो ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं उसमें पहले हमने बटरिंग की थी, बटरिंग के बाद हमने इसको सेमी कुक ग्रेवी इसमें डाल रहे हैं, जब वो तंदूर में जाएगी तो प्रॉपर उसका एक अलग टेस्ट आएगा। आप देखो तकरीबन सारे फुल हो चुके हैं, ये हमने इसमें सब में ग्रेवी डाल दी है। ये भी हमारा प्रॉपर सोया चंक्स है, ये देखो आप इसके जो पीसेस है ये चाप नहीं है, बेसिकली प्योर सोया आप देख सकते हो इसके चंक्स, देखने में लगता है इसीलिए कंपनीज ने आइटम ही ऐसे निकाली है कि नॉनवेज वाले भी ये सोच के वेजिटेरियन में शिफ्ट हो सके कि वेज में नॉनवेज का स्वाद है। नॉनवेज को भी आप रॉ नहीं खा सकते, और इनफैक्ट वेजिटेरियन में जितनी वेजिटेबल्स हैं आप उनको रॉ खा सकते हैं। ये अब अमूल की क्रीम आ रही है, उसमें हमने सोया डाल दिया, हम इस पे क्रीम डाल रहे हैं आप देख रहे हैं, और क्रीम भी इसमें खुली आएगी। अब ये फाइनल इसमें धनिया डलेगा, अब इसमें स्पेशल अमूल बटर डलेगा जो एक्चुअल में इसका नाम है फायर हांडी, इस सब में अमूल बटर डल रहा है। तो इतना सारा बटर डलता है? बटर के बिना तो फिर स्वाद ही नहीं आएगा ना। वाह, पहले क्रीम डलेगी फिर बटर डलेगा। तो मतलब यहाँ पे कंजूसी किसी चीज की नहीं है, भर भर के डाला जा रहा है। भर भर पूरी रेडी हो चुकी है, इसको हम सीधा तंदूर में डालेंगे। आप हांडी में कोई भी चीज रेडी करोगे, घर पे बनाई हुई सब्जी या नॉर्मल दाल को भी अगर हांडी में डाल के आप गर्म कर दोगे तो उसमें टेस्ट का अपने आप फर्क आ जाएगा, क्योंकि एक मिट्टी की अपनी महक होती है। तो जो आप बातें बता रहे हो ना उससे पूरी पंजाब की महक आ रही है। बिल्कुल, तभी तो पंजाब की महक देने के लिए बैठे हम यहाँ पे। नॉन वेज बंदे ने छोड़ना भी हो तो मजबूर हो जाएगा खाने के लिए, नहीं यार आज मैंने वेज खाने खाना। अब बस इसमें हम सीधा इसलिए इसको लगा रहे हैं कि जब तंदूर में होती है उसकी इतनी हीट होती है कि जो उसके अंदर की ग्रेवी रहेगी वो बाहर आएगी, स्टीम बाहर आती है, तो इसको हम ढक देते हैं इस तरीके से कि ग्रेवी बाहर ना आए। ये हमारी 9 की 9 हांडी एग्जैक्टली तैयार है, अब इसको हम सीधा तंदूर में डालेंगे आपके सामने। तो वीर जी कितना टाइम रखना होगा इसके अंदर? वैसे तो मिनिमम आधा घंटा रहता है मिनिमम, क्योंकि हमने ग्रेवी पहले रेडी की थी। अगर आप ग्रेवी रेडी नहीं करते तो अप्रोक्सीमेट इसका टाइम रहेगा 5 to 6 आवर्स रहता है। अब ये हांडियां बनके पूरी रेडी हो चुकी है, अब इसको आपको सीधा प्लेटिंग करके दिखाएंगे इसकी हम। अब हमारी प्लेटिंग लगने जा रही है फायर हांडी चाप। तंदूर में डालने के बाद बहुत गर्म हो जाती है इसलिए खोलना भी बहुत ध्यान से पड़ता है, और आप खुद देखेंगे इसकी रंगत, इसकी खूबसूरती। पूरा का पूरा मक्खन जो हमने आपको ऊपर से डाला था वो पूरा तैर है इसके अंदर, अब आपको इसको डाल के दिखाते हैं। भाई ये देखने में ना अच्छी अच्छी चीजों को बिल्कुल फेल कर रहा है, ग्रेवी इतनी ज्यादा रिच है, इतनी ज्यादा थिक है, देखने में बहुत ज्यादा मजेदार लग रही है। इसके साथ आएगी सैलेड एंड अगेन मिंट सॉस, जो स्पेशल गार्निशिंग में रहेगा हमारा कोरिएंडर, धनिया, इसमें ऊपर से भी और क्रीम पड़ने वाली है। ये गार्निशिंग के लिए तो रहती है नहीं, आज हम आपको इसको रुमाली रोटी के साथ खिलाएंगे। ये पूरी प्लेटिंग हमारी तैयार है, और ये एक्चुअल में पंजाबी सोया फायर हांडी चाप है जो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी? कबानास कबाब्स एंड क्रीरीज, और वो भी पूरे प्यार के साथ। पाजी आपको पूरे प्यार से खिलाएंगे ये फायर हांडी चाप। आज मेरा कुछ चंपारण स्टाइल हांडी खाने का मन था, लेकिन सावन चल रहे हैं और सावनों में मैं तो नहीं खा सकती हूँ नॉनवेज, तो मैंने सोचा कि ना सोया खाया जाए जो कि हांडी में ही बनाया जाता है और बिल्कुल नॉनवेज के टेस्ट को फेल करता है। यहाँ पे आज मैं ट्राई करने वाली फायर सोया हांडी जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार होता है। तो थाली में ये हमारी फायर सोया हांडी, और इसके साथ यहाँ पे अनियन का सैलेड है, ये मिंट सॉस, और यहाँ पे रुमाली रोटी। मैंने यहाँ पे 4 घंटे वेट किया, जल्दी से टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। यहाँ पे मैं रुमाली रोटी के साथ सोया को टेस्ट करूंगी, टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार है। मैं चिकन मटन के टेस्ट को भूल गई, सच में बारिश वाला मौसम है, ऐसे मौसम में अगर ये फायर हांडी खा ली ना, मेरे कहने पे एक बार कीर्ति नगर में आके इस हांडी को जरूर ट्राई करें, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मैं यहाँ पे इसको एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर खुश रहना तो बेहतर खाते रहिए।